नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट लाइव के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और मार्केट लाइव में आज एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा होने जा रही है और उस विषय का नाम है सोयाबीन में आगे तेजी या मंदी। सोयाबीन के आप सबके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ जाते हैं हमारे वीडियोस के ऊपर कि सोयाबीन पर किसी का इंटरव्यू लेके आए, सोयाबीन के भविष्य के बारे में बताएं, क्योंकि देख रहे हैं कि सोयाबीन किसानों पर अब कहीं ना कहीं एक दोहरी मार पड़ती हुई नज़र आ रही है। पहले जब सोयाबीन की बुवाई का समय था उस समय वायदा बाजारों में इतना उछाल आया कि सोयाबीन 10-10 हज़ार का रेट गया सोयाबीन का, लेकिन जब उस समय किसानों के पास माल ही नहीं था तो किसान करते भी क्या। लेकिन अब महंगा बीज खरीद कर सोयाबीन की बुवाई करने के बाद अब जब फल लेने का समय आया, अच्छी कमाई करने का समय आया, तब किसानों को कहीं ना कहीं एक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। दरअसल जैसे ही सोयाबीन की आवकें मंडियों के अंदर आई, सोयाबीन के दाम घटते हुए नज़र आए और इससे पहले सरकार ने सोयाबीन का आयात की मंजूरी दे दी, जिसकी वजह से भी सोयाबीन की कीमतों पर एक दोहरी मार पड़ती हुई नज़र आई और किसान कहीं ना कहीं इस बात से नाराज़ भी हैं कि उनकी फसल आने पर ही क्यों ऐसा कोई निर्णय लिया गया। इम्पोर्ट ड्यूटी कम की गई, सोयाबीन का आयात किया गया, ये उस समय क्यों नहीं किया गया जब किसान महंगा बीज बुआई लेकर कर रहा था। अगर उस समय ऐसा कोई निर्णय लिया गया होता तो शायद आज किसान को अच्छी कीमत मिल रही होती किसानों की सोयाबीन की उपज की। लेकिन अब देख रहे हैं कि भारी बारिश से भी सोयाबीन की भी जो फसलें हैं खेतों में खड़ी खड़ी जो पक चुकी थी वो भी बड़े पैमाने पर खराब होती हुई नजर आई हैं। अब इसी बीच सोपा के आंकड़े निकल के सामने आए हैं कि सोयाबीन का जो उत्पादन है पिछले साल के मुकाबले लगभग 13.71% ज़्यादा रह सकता है और 119 लाख टन के आसपास इस साल सोपा के अनुसार सोयाबीन का उत्पादन रहने का अनुमान है, जो कि पिछले साल से ज़्यादा ही है। अब सोयाबीन फसलें खराब भी हो रही हैं, इतना स्टॉक है भी नहीं, तो ये जो उत्पादन अनुमान है ये ज़्यादा लगाया जा रहा है। और दूसरा, इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी कि जो ग्लोबल सोयाबीन का उत्पादन है वो भी 740 लाख टन रह सकता है। तो ऐसे में ये जो उत्पादन आंकड़े निकल के सामने आए हैं और ये जो फसलें खराब होने की जो खबरें निकल के सामने आई हैं, ऐसे में अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किसान और व्यापारी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि अब आगे सोयाबीन का भविष्य क्या रहेगा। तो इसलिए आज हमने ये चर्चा करने के लिए आप सबसे जुड़े हैं। तो ऐसे में सोयाबीन में आगे का भविष्य जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही खास हमारे एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। आइए उनसे सोयाबीन का भविष्य जान लेते हैं। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु की तरफ से सबसे पहले तो आपको नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देवी माँ आपके घर और परिवार में सुख शांति समृद्धि की बरसात करे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जबरदस्त विषय है कि सोयाबीन खरीफ की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक मानी जाती है। यदि हम कॉटन देखें, सोयाबीन देखें, ये जो फसलें हैं, और पश्चिमी राजस्थान की गवार सीट देखें, ये बहुत चर्चित होती है इसी समय। बिल्कुल सही आंकड़े दिए जा रहे हैं, क्योंकि सोयाबीन की फसलों को पर नए नए आंकड़े और अलग अलग अनुमान अलग अलग और एसोसिएशन और भारत सरकार लगाती है जी। लेकिन मेरा आप सब मार्केट टाइम्स के सभी दर्शकों को अखिलेश राठी जी के माध्यम से एक सवाल जरूर है। वो सवाल है कि उत्पादन के आंकड़े निकल रहे हैं और वो उत्पादन के आंकड़े निकल रहे हैं कि 14% अधिक सोयाबीन का उत्पादन का अनुमान लग रहा है और जो सोयाबीन प्रोसेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसका मानना है 119 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन की उम्मीद है। और यदि बिल्कुल प्रसाइज उनके द्वारा जो आंकड़े दर्ज किए हैं उनका कहना है कि 118.889 लाख टन सोयाबीन की उत्पादन का अनुमान है, जो लगभग 13.71% पिछले साल के मुकाबले अधिक है। तो मोटे तौर पे 14% अधिक उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। और जहां तक इसका रकबा है सोयाबीन का, वो 123.677 लाख हेक्टर सोयाबीन का रकबा सरकारी अनुमान के अनुसार है, जबकि
जो एसोसिएशन है सोफा, उसका अनुमान 119.84 लाख हेक्टर का है। ये सारी चीजें मैं इत्तेफाक रखता हूँ, बात समझता भी हूँ, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, ये सारे उत्पादन के आंकड़े हैं, क्या खपत के आंकड़े, क्या डिमांड के आंकड़े, क्या कंजम्पशन के आंकड़े, क्या कितना सोया की इस साल जरूरत होगी जनसंख्या की वृद्धि की वजह से कह लीजिए, या सोया की डिमांड अधिक होने की वजह से कह लीजिए, या कम होने की वजह से कह लीजिएगा। एक तरफ आंकड़े उत्पादन के ही क्यों हैं जी, आंकड़े कंजम्पशन के क्यों नहीं है, खपत के क्यों नहीं है? जब तक खपत और उत्पादन दोनों के आंकड़ों की बात नहीं की जाए तो एक तरफा आंकड़े की हम बात करने में असमर्थ हैं। इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। एक दूसरा मेरा प्रश्न ये है, जो अखिलेश राठी जी ने भी एड्रेस किया, बिल्कुल सही पकड़ा, सही कहा कि 10,000 से के आसपास जब सोयाबीन चल रहा था बुआई के टाइम, बीज भी बहुत महंगा मिला, कुछ इलाकों में किसानों ने शिकायत भी की कि हमें बीज अच्छा नहीं मिल रहा है, जो बीज मिल रहा है बहुत महंगा मिल रहा है, उसमें भी किसानों की तरफ से नाराजगी थी। और उसके बाद में कुछ इलाकों के अंदर फसलों को भी बड़ा नुकसान हुआ कि जो भारतीय मौसम विभाग है उसने दक्षिण पश्चिम मानसून की जो भविष्यवाणी की थी, जो कि अनुमान लगाया था, विश्लेषण किया था, वो भी बिल्कुल गलत हुआ, जबकि मार्केट टाइम्स के माध्यम से हमने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए यही कहा था कि जुलाई संभवतः कम बरसात होगी, अगस्त के अंदर भी औसत से कम बरसात होगी, लेकिन सितंबर के अंदर जबरदस्त बरसात होगी। ऐसा ही कुछ हुआ, सितंबर में जबरदस्त बरसात हुई, लगभग 35-38% औसत से अधिक हुई, जबकि अगस्त के अंदर औसत से 30% कम हुई। अब 30% यदि कम होगी या 30% अधिक होगी, 35% अधिक होगी, तो इससे भी फसलों को बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब पॉइंट ये है कि सरकार ने भी बिल्कुल, जब तेज भाव थे, खरीफ की फसल चढ़ रही थी, जब कोई बड़ा कदम या कड़ा कदम नहीं उठाया, लेकिन अब फसल के टाइम उठाया गया है, फसल के आने से एक महीने पहले उठाया गया है। तीसरा, इसके अलावा एक चौथा मेरा एक पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, कि जब सोयाबीन के भाव ऊंचे थे या सरसों के भाव ऊंचे थे, उस वक्त जो खाद्य तेल कंपनियां बाजार में उपलब्ध करा रही थी, क्या जब सोयाबीन के दाम लगभग 35-40-50% टूट गए हैं, उस वक्त क्या आधे दाम कर दिए हैं कंपनियों ने खाद्य तेलों के? ये बड़ा प्रश्न है। आप किसान की जो उपज उपलब्ध आ रही है उसके ऊपर 50% की 35% पे 40% 45% अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से डाउन हो रही है, लेकिन पॉइंट ये है, यही है कि क्या खाद्य तेलों के दाम पिछले 1.5-2 महीने के अंदर 50% घटे हैं क्या, या जब 50% यदि घट गए हैं तो फिर इन सब चीजों की जरूरत क्या है? तो ये एक बड़े प्रश्न है, और ये अक्सर होगा। अभी आप कॉटन के ऊपर भी देखें, कॉटन के ऊपर भी मार्केट टाइम्स में हमने बात कहा था कि जब फसल का समय था, कॉटन की फसल भी आ रही थी, उस वक्त भी हमने कहा था कि जबरदस्त गिरावट चल रही थी जुलाई अगस्त के अंदर जी, लगातार गिरावट चल रही थी, हमने कहा था कि कॉटन के अंदर भाव तेज हो सकते हैं, सावधान रहें, और 20-25% सितंबर के महीने के अंदर कॉटन के भाव यानी कपास के भाव तेज हो गए। अब बार बार यही एक सही है कि जो अन्नदाता है, जो उत्पादन करता है, उसको सही भाव मिले, यही सभी का सोचना और मानना है। मैं अखिलेश जी आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं कि ये एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आगे क्या होगा। आज लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ, आज लगभग सभी एसोसिएशन, आज सभी लोग जो सोया पे बात कर रहे हैं, उनका कहना यही है, 15% से 14%, 13%, 14% उत्पादन अधिक है, और सोयाबीन के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर भी काफी फर्क पड़ा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की यदि आप देखें, पाम के जो भाव हैं, पाम ऑयल के, क्योंकि खाद्य तेलों के अंदर जो महत्वपूर्ण है वो सोयाबीन, पाम ऑयल और सनफ्लावर, इन तीनों के बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ सरसों मस्टर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाम ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं,
सोयाबीन के दाम भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर आप बहुत ज्यादा मंदी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि जितना इंपोर्ट ड्यूटी सोयाबीन की सरकार घटाएगी उतने ही दाम सप्लायर के जो कंट्री हैं वो देश हैं वो बढ़ा देते हैं, और वो बराबर सा ही, कोई बहुत ज्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ता है। तो मार्केट टाइम्स के सभी दर्शकों को मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से एक बड़ा खुलासा, एक अनुसंधान, एक विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो संभवतः मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, जैसे बाकी हमारी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई हैं, चाहे वो शेयर बाजार हो या सोना चांदी हो, कच्चा तेल हो या फिर कॉटन, प्याज, प्याज के ऊपर भी मैं आपसे, आपको मखलेश जी आपके साथ एक शो किया था जब प्याज आते लगभग डेढ़ दो महीने पहले लगभग 12 रुपए 10 रुपए के आसपास चल रहा था, और कुछ इलाकों में तो उससे नीचे भी चल रहा था, और बिल्कुल फसलें, और जब हमने आपको कहा था कि मुझे प्याज में तेजी लगने लग रही है आने वाले 1.5 से 2 महीने में, आप देखिए प्याज जो 10-12-8 रुपए का प्याज था आज 4,000 रुपए क्विंटल का भाव दिखाई दे रहा है बाजारों के अंदर, लगभग 3 गुना ज्यादा मुनाफा प्याज के व्यापारियों ने कमाया। अब क्या ऐसा सही होने वाला है सोयाबीन के अंदर? फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं को आज 11 अक्टूबर सन 2021 को फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कहना चाहता हूं, नवंबर और दिसंबर 2021 के अंदर खाद्य तेलों के अंदर तेजी की पूरी पूरी संभावनाएं बन सकती हैं। आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए, आपको अपने निर्णय सोच समझ के लेने चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, जैसे कपास में साउथ वेस्ट मानसून के अंदर प्याज के अंदर गवार सीड पर भी आपको याद होगा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ने बिल्कुल छाती ठोक के कहा था, मजबूती से कहा था कि इस बार गवार सीड के अंदर तेजी होगी, जबरदस्त तेजी हुई उस स्पॉट के अंदर, तो अलग अलग ऐसे आंकड़े सुनने में आए कि जिसपे विश्वास करना मुश्किल हुआ, कहीं 11,000 कहीं 12,000 कहीं 13,000, लेकिन NCDX में भी 50 से 60% की तेजी देखी गई, और उसके बाद गिरावट की भी हमने आपको अग्रिम आपसे बात की थी। तो दोस्तों ऑयल सीड के ऊपर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का मंतव्य बिल्कुल क्लियर है, ये आंकड़े बिल्कुल सही भी हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन जब तक हमारे पास खपत के आंकड़े नहीं आएंगे, कंजम्पशन के आंकड़े नहीं आएंगे, जब तक हमारे पास डिमांड के आंकड़े नहीं आएंगे, तो इन आंकड़ों के ऊपर पूर्ण रूप से अनुसंधान करना, विश्लेषण करना मेरी समझ के बाहर है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये आंकड़े कोई मतलब के नहीं रखते, लेकिन डिमांड वो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप तलपट बनाएंगे, यदि आप बैलेंस शीट बनाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस लगाएंगे तो उसके अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है, आमद और निकासी दोनों होती है, सांस लेना और देना दोनों होता है, एक तरफा कोई बात, एक तरफा कोई सोच विचार अनुसंधान मैं सिरे से खारिज करता हूं। मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर, नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास खाद्य तेलों के अंदर तेजी बनेगी, तेजी बनने की पूरी पूरी संभावना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपसे मैं कहना चाहता हूं, ये सभी जानकारियां आपको फंडामेंटल एनालिसिस और पिछले 50 सालों के आंकड़ों के आधार पर और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अनुसंधान के आधार पर दी जा रही है। नफा या नुकसान होना या कोई भी व्यापारिक निर्णय आप अपने स्वयं के अध्ययन, विवेक और अपने सलाहकार से भी आप राय लेके कर सकते हैं। हमारा काम आपको अलर्ट देना है, हमारा काम विश्लेषण देना है, क्योंकि जब भी कोई भी व्यापारिक वस्तु की तेजी मंदी या अप एंड डाउन की बात होती है, अलग अलग मेथोडोलॉजी से, अलग अलग तरीके से उसका अनुसंधान होता है कि कुछ, कोई लोग कहते हैं कि इसमें तेजी होगी, कुछ लोग कहते हैं इसमें मंदी होगी। यदि कोई तेजी नहीं सोचेगा तो खरीदेगा कौन, और जो मंदी नहीं सोचेगा तो बेचेगा कौन? तो ये बायर एंड सेलर, दुख और सुख, दिन और रात, ये एक जोड़े हैं। जिसको जो ठीक लगे वो बिल्कुल करो, जिसको ठीक नहीं लगे वो मत करो। लेकिन एक बात ये मैं कहूंगा कि यदि हमारा किसान परेशान है तो सुखी कोई भी नहीं रह सकता, किसान का सुखी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप अपने कमेंट्स प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं, वो हमें प्रेरित करते हैं,
भारत की इस रहस्यमय विद्या के जिसकी वजह से भारत विश्व गुरु था, आज मैं हर रोज आप तक ये बात पहुंचाता हूं, चाहे वो बुलियन हो, नेचुरल गैस हो, कॉपर हो, एग्रोजीन्स हो या शेयर बाजार हो, ये सब आपके सहयोग के लिए है, आपके लिए है और आपके इस चैनल के लिए है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। अखिलेश जी जी, कर्नल अजय जी, तो कर्नल अजय जी ने काफी अच्छी बातें बताई है सोयाबीन के बारे में, अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सोयाबीन में आगे अभी क्या रह सकता है, और उन्होंने जो प्रश्न लगाए हैं, उन्होंने जो प्रश्न रखे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो वाजिब प्रश्न है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उत्पादन और रकबे के आंकड़ों पर सोयाबीन में मंदी तेजी का विश्लेषण या मंदी तेजी की रिपोर्ट जारी नहीं की जा सकती। ये बहुत ही ज़रूरी है कि सोयाबीन की खपत कितनी हो रही है, डिमांड कितनी है और आगे डिमांड कैसी रह सकती है और पहले कैसी रही थी, सोयाबीन का स्टॉक कितना है, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ उत्पादन के आंकड़े और रकबे के आंकड़े दे दिए जाएं तो उस पर आगे कोई नहीं बता सकता कि सोयाबीन में मंदी आएगी या तेजी आएगी। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा ये है कि जब सोयाबीन की जो कीमतें हैं किसानों को लगभग आधी मिल रही हैं मंडियों के अंदर पहले के मुकाबले, वायदा में जब 10,000 थी, 9,000 थी और अब उसकी आधी भी नहीं रह गई है, तो फिर तेलों के दाम आधे क्यों नहीं हो रहे हैं, उसी अनुपात में तेलों के दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब किसको देना चाहिए, उपभोक्ताओं को दाम तब भी बढ़ावा क्यों मिलता है जब किसानों को आधी कीमत पर अपनी उपज बेचने को मजबूर होना पड़ता है। अगर किसान आधी कीमत पर अपनी उपज बेच रहा है किसी भी मजबूरी में या फिर किसी भी कारणवश, तो फिर उस फसल से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कमोडिटीज़ होती हैं, तो कंपनीज उनकी कीमतों में उतनी ही गिरावट क्यों नहीं करती हैं, दाम तो तब भी उतने बढ़े हुए मिलते हैं और तब उन कंपनीज के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाता है कि आपने उस अनुपात में दाम क्यों बढ़ा रखे हैं जबकि उस पर्टिकुलर कमोडिटी की कीमतें गिरावट की ओर हैं, तब उन कंपनीज से कोई भी ऐसा सवाल नहीं करता है। लेकिन जब किसान की उपज मंडियों में आने लग जाती है तो सबको कुछ ना कुछ परेशानी होने लगती है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जब भी किसान अपनी फसल लेकर आता है तभी हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ फैसला आ जाता है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि किसानों को उल्टा हमेशा ही नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे ही सोयाबीन के केस में बात करें तो वायदा बाजार में हमने देखा था कि सोयाबीन की बुआई के समय वायदा बाजार 9,000-10,000 उछला था, उस समय ये आंकड़े थे कि सोयाबीन की जो बुआई है कम देखने को मिल रही है क्योंकि बीज नहीं है, और दूसरा फिर जो सोयाबीन की बुआई कम होगी तो उत्पादन कम रहेगा। पहले ये फंडामेंटल्स जानकारों द्वारा जी, ये जो जानकार हैं ये ग्राउंड लेवल वाले नहीं हैं, ये ट्रेडिंग वाले जानकार हैं जिन्होंने ही फंडामेंटल्स जारी किए थे, बताए थे। लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो सोयाबीन का जो उत्पादन है उतना देखने को नहीं मिल रहा है, और जो रकबा है वो भी, अगर रकबा बड़ा भी होगा तो जो फसलें हैं वो भारी बारिश के चलते ख़राब हो चुकी हैं, और जो रकबा है बढ़ा हुआ ही सही लेकिन भारी बारिश की वजह से जो फसलें ख़राब हुई हैं उसकी वजह से उत्पादन पर कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है। और दूसरा, अभी त्योहारी मांग है, त्योहारी सीज़न भी है, ठंड का भी मौसम है, जिसकी वजह से अभी ऐसा नहीं लगता है, जैसे कि कर्नल अजय जी ने भी बताया कि जो खाद्य तेल है और सोयाबीन है उनकी कीमतें नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इनकी कीमतों में तेज़ी बनने की पूरी पूरी संभावना है, तो जो किसान है और व्यापारी हैं वो थोड़ा सतर्क हो जाएं अपनी सोयाबीन को लेकर, क्योंकि दाम बढ़ने की आशंका है। कुछ दिन एनालिसिस कर लें, कुछ दिन ठहर जाएं, देख लें सोयाबीन का बाज़ार कहाँ जा रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लें, क्योंकि जितने भी भविष्यवाणी अभी तक कर्नल अजय जी ने की हैं, चाहे वो प्याज हो, ग्वार हो, उनकी प्रिडिक्शंस अभी तक सारी की सारी सही गई हैं। उन्होंने पहले ही बता दिया था, ग्वार में तो तेज़ी अब बनी है लेकिन उन्होंने लगभग 7 महीने पहले बता दिया था कि ग्वार का भविष्य क्या रहेगा, आगे जाके तेज़ी आएगी। उस समय ग्वार का जो भाव था वो 3,500 रुपये था, और अब आज आप खुद ही देख रहे हैं कि लोग सरसों बेच बेच कर अपना ग्वार खरीद रहे हैं, अब नौबत ये आ गई है, ग्वार 10,000-11,000 तक बिका है। तो ऐसे में अगर एनालिसिस दिया जा रहा है तो एक बार विचार करके चला जा सकता है। और जो सोयाबीन है, सोयाबीन में कर्नल अजय जी के मुताबिक आने वाले दिनों में तेजी बनने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। तो ये थी हमारी सोयाबीन पर एक छोटी सी पेशकश, उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो
तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। फिलहाल मार्केट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।